जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जकरिया, आई एम जकरिया यूट्यूब चैनल के अंदर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वन लोड का अकाउंट, रिटेलर और कस्टमर अकाउंट, ये दोनों किस तरीके से बना सकेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीकाकार है, कोई इतना मुश्किल तरीकाकार नहीं है। तो वो आपको मैं बताऊंगा कि आप वन लोड का रिटेलर अकाउंट किस तरीके, कस्टमर अकाउंट तो ठीक है ऑनलाइन बन जाता है, उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, और जो रिटेलर अकाउंट है उसका तरीकाकार भी बताऊंगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेशनी वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी दोस्तों, ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करते, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप वन लोड का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से वन लोड का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। आप साइट पे देख रहे हैं एक मोबाइल फोन आ रहा है, तो उस मोबाइल फोन पे मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। तो जी दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये प्ले स्टोर देख रहे हैं, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। आपने प्ले स्टोर के अंदर क्या लिखना है, वन लोड, इसके स्पेलिंग भी चेक कर लें, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस ऐप को भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये वन लोड लिखना है, तो ये आइकन आपके पास, ये वाला आपने इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद आपने अपने इसको जैसे ही ओपन करेंगे, तो ये ईपी सिस्टम देख रहे हैं, ये ईपी सिस्टम ने क्योंकि लॉन्च की है, तो ये ईपी सिस्टम ही इसके ऊपर ये आया हुआ है, तो इसकी राइटिंग भी देख रहे हैं 4.4 है, तो अच्छी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आप इसको यहां से इंस्टॉल कर लेना है। आपने सबसे पहले इसको ये देखें, जैसा कि 5 MB की है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अकाउंट इस पे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारी ऐप इंस्टॉलेशन के अंदर है, अभी तक इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि ये हमारी ऐप जो है अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको यहां से ओपन कर लेते हैं। तो इसको यहां से ओपन आपने करना है, जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। अगर आपने बनवाना है रिटेलर अकाउंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप रब्ता करके रिटेलर अकाउंट बनवा सकते हो, और उसके साथ ही अब कस्टमर अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है, ये तो हो गया रिटेलर अकाउंट की बात। रिटेलर अकाउंट अगर आपने बनाया, तो इसको यहां से छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करनी, आपने डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता कर लेना है। और उसके बाद अगर आपने बनाना है कस्टमर है, अगर आप शॉपकीपर नहीं है, अगर हैं आप कस्टमर, तो कस्टमर का अकाउंट आपने, कस्टमर अकाउंट किस तरीके से बनाना है वो आपने यहां पर चले जाना है। ये देखें साइन अप, ये मेरा तीर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर साइन अप लिखा हुआ है, तो आपने यहां साइन अप पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपसे ये मांगेगा ईमेल एड्रेस दो और अपना मोबाइल नंबर दो, तो मैंने ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर लिया हुआ है, तो मैं उसको यहां पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप यहां पर कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूं, तो जैसे ये ईमेल एड्रेस भी मैंने अब डाल लिया, तो हम इसको अब साइन अप करेंगे। तो ये लाजमी याद रखना है, जिस सिम पर आप अकाउंट बना रहे हो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी आपके हाथों में होना चाहिए, चाहे वो किसी और मोबाइल में क्यों ना हो। जैसे ये देखें साइन अप का प्रोसेस है, एक ओटीपी वो कहते हैं आएगा, क्योंकि मेरी वो जो सिम थी इसी के अंदर थी, तो इस वजह से वो ओटीपी आया, यहां से कंफर्म हो गया। नहीं तो अगर आपका किसी और मोबाइल के अंदर होगा, तो वहां पर स्क्रीन के ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली फ्लैश मैसेज आएगा, वो आपको कहेगा कि अगर आप वन लोड का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो विद रिप्लाई विद वन करें। तो अगर आप फिर बनाना चाहते हैं तो ओके कर देना, नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर देना है आपने। तो ये तो था एक सिंपल सा तरीका। अब आगे रही, वो कहते हैं यार हमसे पासवर्ड नहीं लगता, हम इसको पासवर्ड किस तरीके से बनाए। देखें भाई, आपने जो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड के अंदर आपने छोटे लफ्ज भी लिखने हैं, बड़े लफ्ज भी लिखने हैं, यानी इंग्लिश वाले लफ्ज भी लिखने हैं, और 1, 2, 3 वाले फिगर भी लिखने हैं, वो चाहे आप जो भी लिख लें। और ये 8 हिंसों का आपने पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड जो आपने बनाना है वो 8 हिंसों का पासवर्ड बनाना है, और एक ही जैसा नीचे मैं कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी वही पासवर्ड लिख देता हूं। आपने नीचे फुल नेम में अपना नेम लिख देना है,
तो जैसा कि ये मैंने इस नेम के अंदर नेम लिख दिया है, उसके बाद वो कहता है कि अपना मोबाइल नंबर, आप ये वाला मोबाइल नंबर कोशिश करें ना लगाएं क्योंकि पासवर्ड रिसेटिंग के वक्त यही काम आता है, तो आप अपना अदर नंबर यहां पर लगा सकते हो, कोई भी अदर नंबर हो तो वो यहां पर लगा सकते हो। और पासवर्ड फॉरगेट का क्या तरीका कार है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आपने यहां पर अपना कोई और सा नंबर लगा देना है, मेरे पास अभी तो नहीं है, चलो मैं इसी नंबर को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये नंबर मैंने दोबारा लगा दिया। वो कहते हैं कि अब आपकी लोकेशन क्या है, तो कोशिश करें कि इसकी लोकेशन यहाँ से अपडेट ना करें। यहाँ पर आप देखें मैं अपडेट कर रहा हूँ तो ये मुझसे कुछ ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन यहाँ से अब तो लोकेशन खैर आ गई है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत मुश्किल होगी। गूगल क्रोम के अंदर इसको ओपन कर लें, वहां से इसकी लोकेशन अपडेट कर लें, या कंप्यूटर या सिस्टम से लोकेशन ऑन कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नेट की स्पीड ठीक थी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेस्ट काम कर गया। उसके बाद आपने इसको यहाँ अपडेट के ऊपर अपडेट कर देना है। सॉरी, वो कहता है पासवर्ड आपका डू नॉट मैच, शायद पासवर्ड में हमसे कहीं मिस्टेक हो गई, हम दोबारा से री इंटर पासवर्ड को कर लेते हैं। जैसे मैंने री इंटर पासवर्ड किया तो अब अपडेट करूंगा तो ये आपके सामने वो कह रहा है कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके के मैसेजेस भी आ जाएंगे, जैसा कि मेरा ये मैं आपको दिखाता चलूं, जो एसएमएस हैं ये देखें, इस तरीके से एसएमएस भी आएंगे कि पहले तो ये था सक्सेसफुली अकाउंट का, उसके बाद ये पासवर्ड आ गया, टेम्परेरी पासवर्ड आ गया, तो उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं वो कहते हैं अकाउंट आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, इसमें आपने जो जो चीजें डाली हैं जो कुछ किया है तो वो सक्सेस। उसके बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल करने के बाद अब आपका ये अकाउंट हो गया क्रिएट, और इस अकाउंट के अंदर जो मुख्तलिफ फ्यूचर हैं उस पर भी इंशाल्लाह आपने, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसे लोड किस तरीके से करना है और आपने इसको किस तरीके से यूज करना है इंशाल्लाह उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह उस पर आप यहां से लोड किस तरीके से कर सकते हैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।